हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अजय पांडे लेक्चर्स के इस नए वीडियो में। आज हम लोग क्लास टेंथ के साइंस में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा। तो आज का हमारा टॉपिक है बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा। तो अगर हम बेकिंग सोडा के रासायनिक नाम की बात करें तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यदि आप सोडियम के साथ हाइड्रोजन लगाना चाहेंगे तो बाई नहीं लगेगा, और सोडियम के साथ अगर बाई लगाना चाहेंगे तो हाइड्रोजन नहीं लगेगा। तो बेकिंग सोडा के दो नाम हैं, एक है सोडियम बाइकार्बोनेट और दूसरा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये इसका रासायनिक नाम है। अगर इसके सामान्य नाम की बात करें तो सोडियम, इसका जो सामान्य नाम है बेकिंग सोडा का, वो यही है खाने का सोडा या बेकिंग सोडा। जो हमारा हेडिंग है वो सामान्य नाम का ही है। अगर इसके अणु सूत्र को देखा जाए तो इसका अणु सूत्र होता है NaHCO3, यानी सोडियम H हाइड्रोजन और CO3 कार्बोनेट, इसलिए इसका नाम हो जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और अगर हाइड्रोजन को नहीं लिखना चाहेंगे तो सोडियम और उसके बदले में बाइकार्बोनेट हो जाता है। तो खाने वाला सोडा का जो अणु सूत्र है वो होता है NaHCO3। अगर इसके हम अणु भार को देखें तो इसका अणु भार 84 होता है। तो ये तो हुआ बेकिंग सोडा की कुछ बेसिक जानकारी। अब आगे देखते हैं कि इसका निर्माण कैसे करते हैं, मतलब कि बेकिंग सोडा का निर्माण कैसे किया जाता है। तो अगर हम निर्माण विधि को देखें तो निर्माण विधि, इसका निर्माण, इसका मतलब कि इसका मतलब सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, मतलब कि खाने वाला सोडा की बात हो रही है। यहाँ पर इसका निर्माण लिखा गया, इसका मतलब इसका निर्माण खाने वाला सोडा का निर्माण। तो इसका निर्माण सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट एक पदार्थ है, रासायनिक पदार्थ, जिसका अणु सूत्र होता है Na2CO3। तो इसका निर्माण, इसका मतलब बेकिंग सोडा का, तो बेकिंग सोडा का निर्माण सोडियम कार्बोनेट के संतृप्त जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर होता है। मतलब कि जो आपका सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट एक सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है, पाउडर जैसा होता है। जो सोडियम कार्बोनेट है यह सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है, ये बेसिकली ये धावन सोडा है। जो सोडियम कार्बोनेट है जिससे डिटर्जेंट पाउडर बनता है वही धावन सोडा है। इसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आप यहाँ समझिए कि सोडियम कार्बोनेट क्या है, एक सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। तो उसको करना क्या है कि उसको जल में घोल देना है। लिखा जा रहा है कि सोडियम कार्बोनेट के संतृप्त जलीय विलयन में, मतलब कि सोडियम कार्बोनेट जो सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है उसको जल में क्या कर देना है, घोल देना है। और जल में घोलने के बाद उसमें क्या मिला देना है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब प्रवाहित करेंगे तो हम लोगों को बेकिंग सोडा प्राप्त हो जाएगा। एक बार पुनः समझ लीजिए कि क्या करना है हम लोगों को, कि सोडियम कार्बोनेट के संतृप्त जलीय विलयन में, सोडियम कार्बोनेट सफ़ेद रंग का एक क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है, उसको क्या करना है, जल में पूर्ण तरीके से घोल देना है। और घोलने के बाद उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे, और जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे तो हम लोगों को सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा अर्थात खाने वाला सोडा प्राप्त हो जाता है। इसका अगर हम केमिकल रिएक्शन लिखें तो सोडियम कार्बोनेट का होता है Na2CO3, जैसा कि हमने लिखा है Na2CO3, ये आपका सोडियम कार्बोनेट हो गया। और इसको जल में घोल देना है, तो जब जल में घोलेंगे तो अब लिखिए प्लस H2O। तो सोडियम कार्बोनेट का ये जलीय विलयन हो गया, और दोनों को हमने क्या किया, जल में घोल दिया। और घोलने के बाद इसमें हम क्या मिलाएंगे, इसमें मिलाएंगे CO2। देखिए
ये सोडियम कार्बोनेट, ये दोनों, इसका जलीय विलयन हो गया और इसमें क्या मिला देना है, CO2 गैस मिलाएंगे। और जैसे ही हम इसमें CO2 गैस मिलाएंगे, हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, मतलब कि खाने वाला सोडा, 2NaHCO3। और यही आपका क्या है, बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा। तो हम लोग को यहाँ पर प्राप्त हो जाता है, यह है आपका सोडियम कार्बोनेट का जलीय जलीय विलयन। तो एक बार आप पुनः समझ लीजिए कि इसका निर्माण सोडियम कार्बोनेट के, इसका मतलब कि सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा का निर्माण। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, आप यहाँ पर इसका निर्माण न लिख के लिख सकते हैं खाने वाले सोडा का निर्माण सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 के संतृप्त जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर होता है। मतलब कि जो सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3, यह Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, यह सफ़ेद रंग का एक क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। और इसको जल में क्या कर देते हैं, घोल देते हैं। और देखिए इसको जल में क्या कर दिया गया, घोल दिया गया, ये आपका जो, यही आपका सोडियम कार्बोनेट है। इसको जल में घोल दिया गया और घोलने के बाद इसमें CO2 गैस प्रवाहित कर दिया गया, तो हम लोगों को यहाँ पर क्या प्राप्त हो गया, बेकिंग सोडा प्राप्त हो गया। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यह बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह टॉपिक बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस बार इसके पूछे जाने की संभावना भी बहुत अधिक है। तो एक बार इसको हम पुनः शुरू से बता दें कि आज का हमारा टॉपिक था बेकिंग सोडा, खाने का सोडा। इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। इसका सामान्य नाम खाने का सोडा या बेकिंग सोडा है, जैसा कि हमारा हेडिंग है। इसका अणुसूत्र NaHCO3, Na सोडियम, H हाइड्रोजन, CO3 कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका अणुभार 84 है। इसका निर्माण विधि की बात करें तो इसका निर्माण, इसका मतलब कि सोडियम बाइकार्बोनेट का खाने वाला सोडा का, तो खाने वाला सोडा का निर्माण सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 के संतृप्त जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर होता है। ये Na2CO3 सफ़ेद रंग का एक क्रिस्टलीय ठोस है। इस क्रिस्टलीय ठोस को जल में क्या कर देंगे, घोल देंगे, और जल में घोलने के बाद उसमें CO2 गैस मिलाएंगे, तो हमको खाने वाला सोडा प्राप्त हो जाएगा। अब बात करते हैं बेकिंग सोडा के गुण के बारे में। तो यदि बेकिंग सोडा के गुण को देखा जाए, तो जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी रासायनिक पदार्थ के गुण को हम दो भाग में उसको हम अध्ययन करते हैं, एक होता है भौतिक गुण और दूसरा होता है रासायनिक गुण। तो यदि बेकिंग सोडा के भौतिक गुण को देखा जाए, तो बेकिंग सोडा जो है सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस है। बेकिंग सोडा सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है और यह जल में विलय होता है। तो ये जो दो पॉइंट हैं, इसके क्या हैं, भौतिक गुण हैं कि बेकिंग सोडा सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है और दूसरा यह जल में विलय होता है। ये दोनों क्या हो गए, भौतिक गुण हो गए। अगर हम इसके रासायनिक गुण की बात करें, तो इसका जो तीसरा गुण है वो रासायनिक गुण है कि यदि हम बेकिंग सोडा, देखिए ये बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है, ये आपका बेकिंग सोडा है। यदि हम बेकिंग सोडा को 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर, यदि हम बेकिंग सोडा को 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर पर, अधिक तापमान पर गर्म कर देते हैं, तो बेकिंग सोडा फिर से सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। मतलब कि देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को
100 डिग्री से अधिक तापमान पर गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो जाता है। सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर हम सीधे सीधे कह सकते हैं, देखिए इसको हम एक चीज़ और बता दें कि ये धावन सोडा है, जिसको हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो सीधे सीधे कह सकते हैं कि बेकिंग सोडा को 100 डिग्री से अधिक तापमान पर गर्म करने पर वह धावन सोडा में परिवर्तित हो जाता है। और क्या प्राप्त होता है? यहाँ से H2O प्राप्त होता है और CO2 यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो ये हमारा रासायनिक गुण है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट गुण है, कि सोडियम कार्बोनेट को 100 डिग्री से अधिक तापमान पर, सोडियम बाइकार्बोनेट को 100 डिग्री से अधिक तापमान पर गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो जाता है। ये हमारा तीसरा गुण रहा, जो कि रासायनिक गुण है। अगर हम चौथे रासायनिक गुण की बात करें, तो इसमें कहा जाता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट, यही आपका सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, यही आपका क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। यदि सोडियम बाइकार्बोनेट का जल अपघटन किया जाए तो क्षारीय विलयन का निर्माण होता है। ध्यान दीजिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट का जल अपघटन किया जाए तो क्षारीय विलयन का निर्माण होता है। इसका मतलब है कि यदि हम इस सोडियम बाइकार्बोनेट में जल मिला दें तो जो हमको प्राप्त होगा उसमें क्षार अवश्य मिलेगा, मतलब कि जो विलयन प्राप्त होगा वो क्षारीय होगा। और यहाँ पर प्राप्त हो जाता है, देखिए इसका Na, और यहाँ पर देखिए दो H है, एक O है, एक यहाँ से O ले लेता है, तो ये बनाता है NaOH। ध्यान दीजिएगा, NaH तो यहाँ पर है ही, यहाँ वाला O ले लेता है और ये बनाता है NaOH, यही आपका क्या है? क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हमने बताया कि बेकिंग सोडा, जो खाने वाला सोडा है, इसका जल अपघटन करने पर जो विलयन प्राप्त होता है वो कैसा होता है? क्षारीय विलयन प्राप्त होता है, और इसके बाद से प्राप्त होता है H2CO3। इसका नाम कार्बोनिक अम्ल है, इसका नाम कार्बोनिक अम्ल। देखिए ये क्षार प्राप्त हो गया, क्या प्राप्त हो गया? अम्ल प्राप्त हो गया। यह एक तरह का देखें तो दुर्बल अम्ल होता है, कमजोर अम्ल है, और ये जो क्षार है ये कैसा है? प्रबल क्षार है। तो एक बार आप पुनः समझ जाइए कि जब सोडियम कार्बोनेट का जल अपघटन किया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का जल अपघटन किया जाता है, मानी उसमें जल जल मिलाया जाता है, तो उसका विलयन क्षारीय प्राप्त होता है, प्रबल क्षार, और यहाँ पर दुर्बल अम्ल प्राप्त हो रहा है। अगर हम इसके अगले गुण की बात करें, तो सोडियम बाइकार्बोनेट जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। जब भी सोडियम बाइकार्बोनेट किसी अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो CO2, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है। हम एक रिएक्शन लिख रहे हैं कि 2NaHCO3, ये आपका हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट, और यह जब भी किसी अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो अम्ल यहाँ पर हमने ले रहे हैं H2SO4। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जब भी किसी अम्ल से अभिक्रिया करता है तो ध्यान दीजिएगा क्या बनाता है, यह CO2 का निर्माण करता है। तो CO2 का निर्माण देखिए कैसे करेगा, यह बनाएगा Na2SO4 प्लस 2H2O प्लस 2CO2, यही आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और इसी का निर्माण करता है। तो ये जो हमारा पांचवा गुण है वो यह कह रहा है कि सोडियम बाइकार्बोनेट, मतलब खाने वाला सोडा, अम्लों से क्रिया करके, या H2SO4 एक अम्ल है जिसका नाम सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट अम्लों से क्रिया करके देखिए क्या बना रहा है, CO2 गैस बना रहा है, और इसके साथ साथ वह क्या बनाता है, सल्फेट बना रहा है। तो सल्फेट किसका सल्फेट है, तो सोडियम का सल्फेट है। तो ये हुआ इसका पांचवा गुण। अगर इसके छठवें और लास्ट गुण की बात करें, ये हमारा अंतिम है, कि ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है यह धातुवीय लवण से, अब धातुवीय लवण क्या होता है,
कि कोई भी धातु अगर लवण बनाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, धातुवे लवण बोलते हैं। जैसे जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट एक धातुवे लवण है, और यदि हम धातुवे लवण की अभिक्रिया हम सोडियम बाइकार्बोनेट से करा दें, 2NaHCO3, यह क्या है, यह आपका खाने वाला सोडा है, खाने का सोडा। यदि हम ये धात्विक लवण की अभिक्रिया इस खाने वाले सोडे से कराएं तो यह उस जिंक के साथ कार्बोनेट का निर्माण करता है। मतलब कि जिंक ने जो भी आपका धातु है वह धातु सीधे इसके कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है, तो ये बनाता है जिंक कार्बोनेट ZnCO3 प्लस सोडियम सल्फेट। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ यह कार्बोनेट तो धातु के साथ लग गया और जो सल्फेट बच रहा है वो इस धातु के साथ लग जाता है, तो यहाँ पर बन जाता है Na2SO4। यह आपका सोडियम सल्फेट है और इसके साथ साथ जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है। तो ये इसका लास्ट रासायनिक गुण रहा कि जब भी खाने वाले सोडे की अभिक्रिया किसी भी धातु के सल्फेट से कराएंगे तो वह धातु कार्बोनेट बनाता है और धातु सल्फेट बनाता है। तो जिस भी धात्विक सल्फेट से अभिक्रिया कराएंगे तो उसी धातु का क्या बनाएगा, कार्बोनेट बनाएगा। मतलब कि हम जिंक सल्फेट लिए हैं, ZnSO4 लिए हैं, तो ZnCO3 बना है। अगर CuSO4 लिए होते कापर सल्फेट तो CuCO3 यहाँ पर वो प्राप्त होता। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रासायनिक गुण है यह, इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करते हैं सोडियम कार्बोनेट के उपयोग, सोडियम बाइकार्बोनेट के उपयोग की, सॉरी ये बार बार हमको सोडियम कार्बोनेट याद आ जा रहा है। तो अब हम बात करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के उपयोग की। तो सोडियम बाइकार्बोनेट के अगर उपयोग के बारे में जाना जाए तो इसके बहुत ज़बरदस्त और बहुत महत्वपूर्ण उपयोग हैं, और इन सब उपयोगों में जो सबसे पहला उपयोग है वो है कि पेट में अम्लता को दूर करने के लिए प्रति अम्ल के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। मतलब कि पेट में जब अम्लीयता होती है तो उस अम्लीयता को दूर करने के लिए, अम्लीयता मतलब कि जब पेट में गैस बनता है तो उस गैस को दूर करने के लिए हम बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। दूसरा इसका गुण है कि झाग युक्त पेय पदार्थों, पेय पदार्थ कोई भी पेय पदार्थ जिसमें झाग होता है, झाग मतलब कि आप जब कोई भी ठंडा पीते हैं तो उसको जब ग्लास में गिराया जाता है तो देखते हैं कि झाग बन जाता है। तो जितने भी पेय पदार्थ, पीने वाले पदार्थ को जब ग्लास में गिराने पर झाग का निर्माण होता है तो समझ लीजिए कि उसमें क्या मिलाया गया है, सोडा मिलाया गया है। इसके अलावा परिवार नियोजन की गोलियों को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। परिवार नियोजन एक तरह की गोलियाँ होती हैं जिसको महिलाएँ खाती हैं, तो उसको बनाने में भी सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब कि बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। अगला इसका जो उपयोग है वो है कि आग बुझाने वाले यंत्रों में हम बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं, जो भी आग बुझाने वाले यंत्र हैं उसमें बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। उसके बाद अगला उपयोग है चर्म रोग के निदान में, चर्म रोग जो भी स्किन से संबंधित, चमड़े से संबंधित जो बीमारियाँ हैं उन बीमारियों को ठीक करने के लिए हम बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। इसके अलावा प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। प्रयोगशाला में जो भी केमिस्ट्री का लैब है उस लैब में जो भी अभिकर्मक यूज किए जाते हैं उन अभिकर्मक में एक खाने वाला सोडा भी होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट गाँव में क्या करते हैं कि कच्चे दूध को फटने से बचाने के लिए भी हम बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। यदि कच्चे दूध को फटने से बचाना है तो वहाँ पर बेकिंग सोडा का यूज कर लिया जाता है। यदि आप बेकिंग सोडा को डाल देंगे दूध में और उसको अगर दिन भर भी रख देंगे तो दूध फटेगा नहीं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये गुण है कि कच्चे दूध को फटने से बचाने के लिए हम बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। तो ये रहा हमारा बेकिंग सोडा का पूरा फाइनल वीडियो। इसमें हमने क्या पढ़ा, बेकिंग सोडा का नाम पढ़ा, फिर बेकिंग सोडा के कितने नाम होते हैं, इसके निर्माण की विधियाँ क्या हैं, इसके भौतिक एवं रासायनिक गुण क्या हैं, और बेकिंग सोडा का
उपयोग क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इस टॉपिक में, इस वीडियो में कवर कर लिया है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हम स्पेशली कमेंट बॉक्स को पढ़ते रहते हैं। और आप लोगों का क्या सुझाव है, अगर कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो स्वागत है, ज़रूर उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। कोई भी सुझाव हो पढ़ाने के तरीके में या लिखने के तरीके में या किसी भी प्रकार का कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप उसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए। और अभी भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही हम रोज़ाना क्लास 10th और 12th की वीडियो अपडेट करते रहते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।